हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से आ, स्वागत है काफी दिनों बाद यहाँ पर वीडियो आ रही है, time, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आज की डेट में एक बेहतरीन स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जहाँ पर ऑलरेडी अगर आपको जो शेयर बताया था अगर आपने खरीदा होता तो आपको एक से डेढ़ महीने के अंदर चालीस परसेंट के रिटर्न मिल जाते बट स्टिल यहाँ पर नहीं पाया किया तो यहाँ पर अब वो स्टॉक अब ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है और बेहतरीन आपको स्टॉक रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे आइए उस स्टॉक से रेटी बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर चैनल आपका चैनल सब्सक्राइब

खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई भी पोजिशन लीजिएगा इस स्टॉक्स में भी तो देखिए कुछ दिन पहले एक स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कुछ मेटल स्टॉक से रिलेटेड मैंने जिन तरह स्टील एंड पावर की बात करी थी मैंने बात करी थी एक रत्नामणी मेटल की कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है फिर उसके बाद देखें यहाँ पर आ, जब ये यह शेयर यहाँ पर चल रहा था तभी ये शेयर बताया था उसके बाद अच्छा खासा ये भागा भी ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पर अब कंसोलिडेशन करके ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है याद रखिए ये चीजें नीचे नहीं आ रही है थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन करके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और बेहतरीन स्टॉक्स है जो मैंने आपको पहले ही बताया था आपने में देख ही लिया है वहां पर भी एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है तो कौन सा स्टॉक्स और सिलरिटी बातें कर लेते हैं तो स्टॉक्स के नाम की अगर मैं बात करूं स्टॉक का नाम है टीवी वी एटीन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड तो इस स्टॉक्स को अगर देखेंगे तो लगभग आज के दिन में बेहतरीन इसने ऑल टाइम हाई का आज भी लगाया है देखिए 24 मार्च 2022 आज के दिन में इसका फिफ्टी टू वीक हाई लगाया है ऑल टाइम हाई नहीं सॉरी और छब्बीस रुपये इसका 12 अप्रैल 2021 को था तो इसने अच्छा खासा शेयर अग, भागता हुआ नजर आया आज के दिन में देखेंगे तो लगभग पाँच करोड़ uh, एक लाख पिछहत्तर हजार चार सौ चौदह शेयर यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है शेयरों में जिनमें से एक, एक करोड़ इकतीस एक लाख पचपन हजार पांच सौ सत्तावन शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर, पर भी लेके गए लोग तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर काफी टाइम पहले आपको स्टॉक्स से रिलेटेड रू करा दिया था जब ये शेयर चालीस पैंतालीस रुपए के आसपास यहाँ पर चल रहा था और इसके बाद शेयर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेवेंटी जो हाँ आज का ऑल टाइम हाई आज है उसी के आसपास जाके फिर नीचे आ गया था फिर अगेन भागता हुआ नजर आया था तो यहाँ पर मैंने आज के दिन में दोबारा यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करी आज के दिन में और अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट को प्ले करते हुए दिखाई देंगे आज तो सब चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे सबसे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर दैट आगे बढ़े हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं

और इसके अगर को फाउंडर की बात करें तो इसके जो मालिक की बात करें ओनर की बात करें इस पर्टिकुलर चैनल की तो रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता ही है इसके यहाँ पर ओनर दिखाई देते हैं तो एक बेहतरीन चैनल है आप कलर्स टीवी देखते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट आप वूट ऐप भी यूज करते हैं तो जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं आप जितने भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चैनल देखते हैं तो आपको पता नहीं होगी वो कहीं ना कहीं नेटवर्क एटीन या टीवी एटीन का ही पार्ट होता हुआ नजर आएगा एक बार टीवी 18 सेलेब्रिटी यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए टीवी 18 देखिए नेटवर्क 18 का ये पार्ट है ओके okay, यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सी एसीएनबीसी टीवी 18 सीएनबीसी आवाज आप देखती है स्टॉक मार्केट के लिए सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी वॉर्न मीडिया बहुत सारे यहाँ पर और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क एटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या है यहाँ पर इसका पेरेंट कंपनी है मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर यही कंपनी इसे ओन करती हुई दिखाई देती है इसकी सब्सिडरीज कह सकते हैं नेटवर्क एटिंग की और वूट ऐप और जितने भी ये अलग अलग क्या चैनल है वो ये कंपनी के ही यहाँ पर टीवी एटीन के ही दिखाई देते हैं तो एक बार यहाँ पर जाके देख सकते हैं सिक्सटीन चैनल्स है 16 करोड़ हाँ पर यूनिक व्यूअर्स 15 लैंग्वेज में ये टीवी 18 की नेटवर्क 18 की बात कर रहा हूँ सेम टीवी 18 भी काम यहाँ पर काम करता है वो दिखाई देता है तो यहाँ पर ये साइट ओपन नहीं हो रही है वरना मैं आपको दिखा देता नॉट एन इश्यू तो देखिए अच्छा खासा बिजनेस होता हुआ नजर आता है अच्छे बिजनेस यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हुए नजर इक्कीस तो 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 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है पी रेशो की बात करें तो पी यहाँ पर ट्वेंटी का यहाँ पर पी और इंडस्ट्री का पी अड़तीस है मतलब फिर भी यहाँ पर शेयर सस्ता नजर आता है आर ओ की बात करें ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बेकार है बट

और यहां पर अब शेयर यहां पर कंसॉलिडेट करने का चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट याद रखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि मैं आपको चार्ट ले जाऊंगा तब यहाँ पर देखेंगे और उस केस में यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आती है और आपको शॉर्ट टर्म में अगेन अगेन अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे तो सबसे पहले तो रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और यहाँ पर सीखना है तो सीखने के लिए यहाँ पर वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखिए तो यहाँ पर सेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगी कि कंपनी की सेल्स यहाँ पर लगातार बढ़ रही थी बट यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक थोड़ी कम होती है दिखाई दी क्योंकि आपको पता ही है एडवर्टाइजमेंट कंपनी

जाती हुई नजर आई है और सेल नेट, नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव में कब स्टार्टिंग में था जो अभी देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 12 महीने में 607 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट दिया और पूरे फाइनेंशियल क्वार्टर में लास्ट ईयर चार करोड़ जो कि हाईएस्ट एवर है तो ये चीज बता रही है कि कंपनी बेहतरीन है कंपनी को यहाँ पर से एकट किया जा सकता है और अच्छे खासे तरीके से अगर थोड़ा टाइम देते हैं तो शेयर यहां पर भागता हुआ नजर आएगा रिजर्व की बात करें कंपनी के बाद चार करोड़ के रिजर्व है बॉरिंग की बात करें सात करोड़ की बोरइंग है यहाँ पर जो कि बोरिंग यहाँ पर लगातार कम हो रही है 1600 करोड़ से यहाँ पर केवल आधी से भी कम रह गई है वर्क की प्रोग्रेस में 6 करोड़ रुपए यहाँ पर यहाँ पर दिखा रखा है इन्वेस्टमेंट लगभग 533 करोड़ और कैश की बात करें कंपनी का 189 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश भी दिखाई दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल कंपनी का अच्छा खासा है इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी की यहाँ पर मिड कैप यहां पर कंपनी नजर आती है अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की तो इन्वेस्टर्स की अगर हम देखें प्रमोटर्स के पास 60.4 परसेंट की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है एफ की बात करें तो देखिए एफ ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है डी की बात करें पॉइंट वन नाइन परसेंट डीआईस यहाँ पर है ही नहीं और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का ट्वेंटी की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है ट्वेंटी में से वन की हिस्सेदारी राकेश झुंझु रेखा राकेश झुंझुनवाला की है पहले झुंझुनवाला सर की है तो अब, अब यहाँ पर बात करें तो लगभग चौबीस के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक के पास नजर आती है तो यहाँ पर सब चीज अच्छा खासा नजर आता है कंपनी के हाईएस्ट एवर नंबर्स कंपनी यहाँ पर मिड कैप कंपनी है कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है कंपनी के जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर अच्छे खासे आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी यहाँ पर सस्ते में यहाँ पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और कंपनी जब अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और यहाँ पर uh, और इस अप, और अपने ऑल टाइम हाई फिफ्टी टू भी हाई तो आज लगा है बट ऑल टाइम हाई को यहाँ पर कंपनी ने अभी तक क्रॉस नहीं किया तो ऑल टाइम हाई को जब क्रॉस करेगी तो और जो जाने की बिल्कुल कोशिश करेगी जो कि यहाँ पर चार्ट कह भी है तो हम बात कर रहे हैं टीवी एटीन की तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट याद रखिए मेरी पोजीशन है आज ही मैंने पोजीशन लिया है तो इस चीज को अपने थोड़ा सा माइंड में रखिएगा तो देखिए आज के वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग हजार छह करोड़ के आसपास के यहाँ पर टू मिलियन पर देखिए वॉल्यूम दिखाई दे रहे मिलियन यहाँ पर, तो uh, पर वॉल्यूम दिखाई देते हैं और यहाँ पर देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम इस पर्टिकुलर पीरियड में आते हुए दिखाई दे तो कंपनी यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में अच्छे खासे तो वॉल्यूम आ रहे हैं और याद रखिए शेयर यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट टाइम तो

तो यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है और भी अगर बात करें कि ज्यादा से ज्यादा और नीचे आता हुआ दिखाई दिया ये शेयर तो कितना यहाँ पर मुझे यहाँ पर इकसठ रुपए तक लगभग दस दस बीस रुपए की यहाँ पर गिरावट हो सकती है तो अगर अच्छे रिटर्न चाहिए तो थोड़ी बहुत गिरावट का भी हमें साथ में लेकर चलना रिस्क रिवॉर्ड पर फेवरेबल दिखाई देता है बट यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे खासे है कंपनी के नंबर अच्छे खासे है पर यहाँ पर चीजें जिस तरीके से जारी है मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर चीजें कन्वीनियंस करती है कि यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से भक्ति दिखाई देगी इस लेवल को इसने आज तोड़ दिया था बट थोड़ा सा नीचे आया और आज का लेवल सेवेंटी मतलब यहाँ बात करें अगर ये 77 या 78 को यहां पर क्रॉस करता है तो याद रखिए इसी लेवल को क्रॉस करने के बाद ये शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा जो अच्छा खासा भागेगा और जो होता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है इसकी आरएसआई आरएसआई का चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो आपको पता चलेगी चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है देखिए हर बार चीजें यहां पर आके रिवर्स होती हुई दिखाई देती और अभी ये चीजें ऊपर गई नहीं है यहाँ पर देखिए ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी आर एस आई इसकी और ऊपर जाती हुई दिखाई देगी इस टाइम आर एस आई सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव एट थी अभी आर एस आई सिक्सटी फाइव है मतलब अगर बात करें बारह पॉइंट आर एस आई को और ऊपर जाना है और जो कि यहाँ पर एक या दो दिन में कंसोलिडेशन के बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी ही देगी तो चीजें यहाँ पर अच्छी खासी दिखाई देती है अब बात कर लेते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट की जो मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए लास्ट टाइम जब मैंने पर इस चार्ट से बातें करी तो आपको बताया था कि यहाँ पर चीजें अच्छी खासी नजर आती है क्यों क्योंकि तो यहाँ पर एक कप कप बनाने का हैंडल है, जो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके हिसाब से अगर हम टारगेट देखे जो की यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखिए ये यह सब चीज बनता ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके हिसाब से भी टारगेट देखे तो अच्छे खासे टारगेट आ रहे हैं ये बनाया इसने कप जो कि ऊपर गया फिर नीचे आके ये हैंडल बनाया और ये अभी ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है अब चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है साफ दिखाई दे रही है मुझे एटलीस्ट दिखाई दे रही है इसलिए मैंने आज यहाँ पर पोजिशन ली है बट आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर ही लेना है और यहाँ पर से अगर हम इस कप विद हैंडल पैटर्न को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए कब विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर जो टारगेट आते हैं ये टारगेट नजर आते हैं कितने परसेंट के तो ये सीधे सीधे यहाँ पर दिखा दे रहा है 387% के 387% के यहाँ पर लगभग चार सौ रुपए तक चार सौ नौ चार सौ दस रुपए तक ये शेयर जाता हुआ मुझे साफ दिखाई देता है बट इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है बट यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट जब होता है तो 20-30 परसेंट के रिटर्न 40 परसेंट के रिटर्न कब कब में मिल जाएंगे वो आपको खुद नहीं पता चलेगी अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर इस, अभी तक हम डेली बेसिस पे अब वीकली बेसिस पे एक चार्ट पैटर्न निकाल लेते हैं तो इसका जो ऑल टाइम हाई था देखिए इस समझने की कोशिश करिएगा ऑल टाइम हाई था 2008 में 2008 में अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2008 में यहाँ पर चार्ट पैटर्न नहीं दिखा रखा बट 2008 में अगर हम बात भी कर ले तो 2008 में ईयरली बेसिस पे कितना प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा देखिए यहाँ पर घाटे में ही चल रही थी कंपनी और अभी तो प्रॉफिट में चल रही है और अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है तो चीजों को ऊपर जाना ही है यहाँ पर अगर हम यहाँ तक भी ले, ले लेते हैं ये अगर चीजें अपनी ऑल टाइम हाई तक भी चली जाती जा है या रिसेंटली ये हंड्रेड को भी क्रॉस कर लेती है देखिए सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहा है ये सौ रुपए पर ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है सौ रुपए तक याद रखिए आपको सौ रुपए से पहले तो निकलना ही नहीं है सौ रुपए से पहले यहाँ पर सीधे सिंपली आराम से जाती हुई चीजें दिखाई दे रही है और सौ रुपए तक गई तो यहाँ पर देखिए चालीस के रिटर्न दोबारा बनते हुए दिखाई दे रही है फिर उसके बाद ये लेवल होगा वन का और इसके बाद ये लेवल होगा जब ये लेवल निकाल देगी तो चीजें और ऊपर जाएगी बट उसके लिए रिजल्ट का अच्छा आना बहुत जरूरी है बट रिजल्ट से पहले मुझे सौ तक चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है